मैं और मैं और और आज के के episode में हम एक सीक्रेट इवेंट के बारे में बात करने वाले जो हाल ही में एप्पल ने ऑर्गेनाइज किया था फॉर देर इनवाइट ओनली एंड एम्प्लॉयज ओनली और वो इवेंट बेस्ड था चलो आप गेस करो नॉर्मली अपन सोचते हैं एप्पल से रिलेटेड कोई भी इवेंट होता है तो उसमें प्रोडक्ट्स निकाले जाएंगे कुछ नया सॉफ्टवेयर निकाला जाएगा या फिर ज्यादा से ज्यादा एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा कुछ नई टेक इंट्रोड्यूस हो जाएगी बट दिस इवेंट वॉज ऑल अबाउट गेमिंग राइट 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 तो जीत आप हाँ बत, बताइए कि भाई सब चीज छोड़ के राइट अभी ए आर वी आर हेडसेट बाकी है आना ठीक है अभी बहुत सारी चीजें अभी डब्ल्यू डब्ल्यू डी सी भी नहीं हुआ है तो यार एकदम से पहला इवेंट ही गेमि गेमिंग पे एप्पल ने किया है सो सो आर थॉट्स अबाउट इट बेसिकली एप्पल जैसे जैसे चल रहे थे जैसे भी हुँ. सारे न्यूज ने और सब ब्लॉगर्स ने सबने कवर किया था कि एक फरवरी में एक इवेंट होने वाला है जो बहुत ही ऐसे सीक्रेट इवेंट सीक्रेट इवेंट एम्प्लॉय ओनली साल जैसे सबने स्पेकुलेट भी ऐसे किया था कि ये बेस्ड ऑन ए आई के अंदर ज्यादा डेवलपमेंट के जो भी उनके फीचर्स हो रहे होंगे वो ज्यादा वो शोकेस करेंगे अपने एम्प्लॉइज को टू अर्ली यू you नो know, या फिर अर्ली डेवलपमेंट अर्ली डेवलपमेंट के जो फीचर्स है या फिर जो आने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कैसे इंटीग्रेट करने वाले उसके बारे में लेकिन ये सब बातें नहीं थी उसके अंदर बातें हाँ हा। लेकिन या uh, दैट्स yeah, कि जो हमें लग रहा था दैट वो इवेंट ए बेस्ड होगा कि ए सेंट्रिक होगा वो ए सेंट्रिक नहीं था वो गेमिंग पे था बात ये उठती है कि ऑल ऑफ अ सडन राइट साल का पहला इवेंट गेमिंग पे क्यों किया राइट <laughs> right. तो व्हाट आई थिंक इज कि अभी जो गेमिंग एक एक बाय सर्वे हुआ था जो मैं बताना चाहूँगा कि आईफोन्स जो है अगर एज अ गेमिंग डिवाइस देखा जाए तो वो एक्सबॉक्स एंड प्ले से ऊपर आते हैं इन यू राइट और अगर मैं थोड़ा सा मैं लॉजिक भी लगाता हूँ कि अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो प्ले स्टेशन

बेस्ट चॉइस अवेलेबल राइट नाउ आई थिंक आईफोन्स क्योंकि उनमें बेस्ट प्रोसेसर मिलता है आपको बेस्ट स्क्रीन मिलती है एंड सभी uh, सब, को पता है कि भाई गेमिंग काफी अच्छे हो जाती है एंड यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स ऑन योर आईफोन गेमिंग करता है आप डायरेक्टली स्ट्रीम भी कर सकते हो इतनी पावर रखता है आपका आईफोन सो दैट इज द रीजन की इट इज वेरी मच पॉपुलर कम्पेयर टू अदर डिवाइस गेमिंग की अगर मैं बात करूँ सिर्फ इन गेमिंग इन सेक्शन ऑफ पीपल राइट right. तो so, मेरे को ये रीजन कि, कि उन्होंने hmm. राइट एंड okay. आ आ right. right. अगर आप जाओ गेमिंग में और आर्केड में आप जाके देखते हो कौन कौन से गेम्स आपको मिलते हैं uh, like कौन से गेम्स है ये तो मेरे को फ्री में मिल जाते थे राइट बट अगर थोड़ा डीप ब्लू उसके अंदर और एक्सप्लोर करते हो देर आर

सो so, उसके अंदर दो या मतलब जो मेन गेम्स है वो बहुत सारी वैसे तो बहुत सारी गेम्स अवेलेबल है आर्केट पर जैसे स्टार लेगो स्टार वॉर्स हो गई सो so, अभी जो ऑलरेडी चली रही है लेकिन उसके अंदर भी क्या इम्प्रूवमेंट्स है फिर ग्राफिकल इंप्रूवमेंट्स क्या है आईफोन के अंदर जो हमारा एम टू पावर या एम बेसिकली जो एम वन चिप्स और जो सिलीकन्स बना रहे हैं अभी जो एप है ना उस मैक में प्लस आईफोन में जो उसका खुद का आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं सो बेसिकली उसके अंदर द मीडियम करके एक गेम है अरे बहुत ही ग्राफिकली है गेम, 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 है। गेम है इंटेंसिव गेम है और मल्टीप्लेयर विंडो मल्टी मल्टीप्लेयर नहीं बोलूंगा लेकिन मल्टी विंडो गेम है और दोनों ही रेंडरिंग टाइम ज्यादा कंपेयर अगर कंपेरेटिवली दूसरे डिवाइस से ज्यादा स्मूथ चल रहा है इसमें प्लस उसके अंदर उन्होंने एक और गेम जो सबके फेवरेट है अभी वो उसके अंदर भी आ रही है कि कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन फॉर मोबाइल सो वो अभी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए ड्यूरिंग दिस सीक्रेट इवेंट ठीक है हाँ यही चल रहा है कि जो कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन है ठीक है वो अभी बीटा स्टेजेस में वो अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं, नहीं, है राइट तो वो कितनी अच्छी तरीके से चल रही है इन द बीटा स्टेज इट वो शोकेस करना जरूरी था बिकॉज अगर आपने वॉर जोन का नाम सुना होगा नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी का एक एक्सटेंडेड पैक है और वॉर जोन जो पीसी पे एक्सबॉक्स पे प्ले स्टेशन hmm. पे अवेलेबल है एंड उसका जो डेटा साइज है मैं आपको बताता हूँ हाउ ग्राफिक इंटेंसिव दैट गेम इज हंड्रेड जी बी हाँ हंड्रेड जी बी का उस, उसके गेम का साइज है उस पर्टिकुलर सेक्शन uh, वो वॉर जोन का साइज है वो वॉर जोन के जितने भी फीचर्स हैं उन सबको उठा के मोबाइल में लाना इम्प्लीमेंट करना एंड यू रिक्वायर A hell lot of fire fire power power for that that right, that and and right. I think is is the reason Apple showcase try through gaming right right yeah, definitely ही नहीं है गेमिंग hmm. रिलेटेड तो नहीं आए हैं जहां तक राइट तो शायद वो एक प्री प्लान कर रहे हो एक रोड में आप तैयार कर रहे हो आने वाले 2023 के आगे महीनों के लिए डेफिनेटली सो so, अगर आप कोई आ, कोई सोचेगा कि आ, गेमिंग और एप्पल ऐसे दो रिलेटेबल नहीं लगते राइट right. कोई खरीदना नहीं एवरी वन ही वॉन्ट्स टू बाय मैक बुक और समथिंग लाइक दैट और आईफोन और लेकिन वो उसको कभी भी गेम के साथ गेमिंग के साथ रिलेट ले कर, कर पा रहे थे, थे। क्योंकि उसके सर्टेन रीजंस भी थे उसके लिए जैसे उन्होंने अपने मार्केट के अंदर जैसे पोजिशनिंग की है तो कभी hmm. उन्होंने ऐसा गेमिंग डिवाइस कभी पोजिशन पहुंचा ही नहीं राइट 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 सो उसकी वजह से उसकी ऑडियंस भी वैसे ही हो जाती है सो so, लोगों ने बहुत सारे उसके ऊपर मीम्स भी बनाए रखे हैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी बनाए लेके आई यूज़ मैकबुक फॉर यू नो गेमिंग एज अ आई एम यूजिंग माउस एज अ माउस पैड हाँ और बहुत लोगों ने ऐसे मजाक भी उड़ाया क्योंकि इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा पावर भी है उसके अंदर हाँ, और जो भी एप्पल का जो भी प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर जो गेमिंग दिखाता भी है जो अपने प्रेजेंटेशन में वो मैक्सड आउट वर्जन होता है विच इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव वर्जन हाई एंड एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ दैट और क्योंकि MacBook, अगर हम आ, या फिर प्रो की बात करें तो तो उसका उसका वेंटिलेशन वेंटिलेशन भी भी वैसा वैसा ही ही है। 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 फैन फैन अभी में में। में में नहीं लेकिन होता है तो आई थिंक वो इतना सफिशियंट नहीं है यही अगर मैं गेमिंग गेमिंग सेंट्रिक बात करता हूँ यहाँ पे मैं एक विंडोज वर्ल्ड में जाता हूँ जस्ट पैरल अपोजिट में एक एक लाख तीस हजार का बजट है और उसी बजट में शायद एम टू मैक प्रो बैठता है राइट और उसी बजट में आसूस का रॉक स्ट्रीक आ जाता है राइट राइट और अगर मैं सिर्फ गेमिंग की बात कर रहा हूँ तो एक ये भी चीज है कि जो गेम्स बनते हैं वो विंडोज के लिए डिजाइन होते हैं राइट एंड फिर अगर वो मैक पे खेले उनको चाहते हैं कि वो मैक पे लाए जाए तो वो पोर्ट होते हैं वो उस पर डिजाइन बनते नहीं है दे आर मेड फॉर मैक्स दे आर पोर्टेड वर्जन गेम्स बड़ी बड़ी कंपनीज कैपकॉम का नाम सुना होगा स्ट्रीट तो होगी जिसमें आया आ वो जिसके port, uh, बात यहीं आ जाती है कि कितने गेम्स mm -hmm. यहाँ तो एक बड़ा पब्लिशर इन्वॉल्व था जिसकी वजह से वो गेम इतने अच्छे तरीके से वहां पे पोर्ट हो पाई राइट बट एक और चीज ये आती है कि एप्पल को भी आई I मीन mean, इस

राइट right, तो वही बात है कि कितने अच्छी तरीके से प्ले स्टेशन पसंद आता है उनको इंटरनल से मैटर नहीं है पावरफुल है क्या है वॉट मैटर इज द एक्सपीरियंस जो right. वो गेम खेलते हैं कौन सा जिसको पसंद आता है example, अगर आपको स्पाइडरमैन पसंद है है नीलगो विथ प्ले स्टेशन राइट अगर मेरे uh, को फॉर एग्जाम्पल है ये जो चीज आती है अफेक्ट कर जाती है बट कहीं ना कहीं को ध्यान में रखना पड़ेगा कि गेमिंग इंडस्ट्री भी अब थोड़ी सी टफ होती जा रही है, नहीं, नहीं, है? बिकॉज़ नए नए जुड़ रहे हैं साथ में जीओ भी आ ठीक स्टीम डेक का नाम अगर आपने सुना होगा, वैसे जिसपे आप पीसी गेम्स खेल सकते हो एंड कितना पावरफुल्जाम्पल एक एक देना चाहूंगा विफ पी एस मैक्स आउट सेटिंग पे आप इस पे खेल सकते हो स्मूथ स्मूथ राइट सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ मच फायर पावर दिस स्टीम डेक कैरीज इतना पावरफुल डिवाइस है और वो भी हैंड हेल्ड है वो इसमें

आई थिंक एपल है परफॉर्मेंस के मामले में विध एम सीरीज कर तो दिया है राइट mm -hmm. right, right. अब जीपीयू की बारी है एंड देट इज द रीजन वाई दे आर फोकसिंग टूवर्ड्स गेमिंग एंड डेवलपर्स को भी एक होता है uh, आपको एक दिशा देनी पड़ती है राइट right. right, पूरे साल के लिए तो आई थिंक गेमिंग वुड बी दर्स्ट थिंग एंड द प्रायरिटी थिंग फॉर एप्पल टू पर शू डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जैसे मार्केट की अभी सिचुएशन है जैसे लैपटॉप्स और पीसी के अंदर हो गया तो वो पूरा मार्केट एक गेयर अप हो रहा है अभी गेमिंग के अंदर आगे जाने के लिए गेमिंग right. सेक्टर के अंदर तो uh -huh. जो भी आप अभी जो वर्क बुक्स और वो सब जैसे आ रहे हैं जैसे नोटबुक हो गया लेनोवो का हो गया फिडेल hmm. का हो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाले जो प्रो कॉरपोरेट वर्क के लिए या जो बेसिक टास्क के लिए जो बना रहे थे वो तो है ही लेकिन अगर आप हाई एंड पीसीज देखोगे जैसे आपने बोला अभी वन लैक थर्टी थाउजेंड के आसपास आपका बजट है तो बेसिकली यू विल गो फॉर द गेमिंग पीसी बट यू विल नॉट कंसीडर मैकबुक फॉर एज अ गेमिंग 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 डिवाइस सो यू विल ऑलवेज गो फॉर अ पीसी क्योंकि विंडोज और अगर माइक्रोसॉफ्ट देखा जाए तो अर्ली स्टेजेस में अगर एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को कंपेयर करें तो एप्पल एक जब लॉन्च किया था अपना डिवाइस जो अपने प्रोडक्ट्स का लाइनअप था जैसे मैक इंडोज था वो एज अ फंड डिवाइस लॉन्च किया था उन्होंने तब विंडोज ऐसा लैपटॉप या लैपटॉप नहीं लेकिन ऐसे पीसी बना रहा था जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए hmm. या फिर बिजनेस वर्ल्ड के लिए अवेलेबल था। प्रोफेशनल्स के like लिए like उन्होंने कभी ऐसा में किया ही नहीं कि, us लेकिन वही कर रहा था और आपको ये बात है नाइनटीन एटीज की, right. की बेसिकली बात है ये तब तो लोग ऐसे जैसे किड्स हो गए या फिर टीन होते हैं तो वो लोग always, सो दे ऑलवेज चूज दो ओके लेकिन डाउन द लाइन माइक्रोसॉफ्ट ने रियलाइज़ किया कि ये इतना प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है नहीं तो उसको पीसी को थोड़ा फन बनाते तो ऑल ऑल्सो uh, की एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने ओपन एंडेड रखा जिसे एप्पल क्लोज एंडेड थिंग है क्योंकि एंड टू एंड क्रिप्शन और एंड टू एंड कंट्रोल वाला है लेकिन विंडोज इज ओपन थिंग सो उन्होंने ऐसा किया कि खुद का एपीआई बनाना स्टार्ट किया और प्रोसेसिंग और प्रोग्राम भी वही कर रहे थे तो वो सब इजीली कोई भी डेवलपर इजीली उसके ऊपर गेम्स डेवलप कर सकता था और सिस्टम के साथ भी इजीली इंटीग्रेट हो जाते थे सो डाउन द लाइन ऐसा हुआ कि एप्पल कॉर्पोरेट सेक्टर में और प्रोफेशनल वर्किंग के लिए वो ज्यादा उसका मार्केटिंग रिब्रांडिंग भी वैसा ही हुआ था दोनों शिफ्ट हो गए थे सो आई थिंक अभी अभी वही हो रहा रहा है है, कि जैसे अभी का आगे जा रहा है, लेकिन प्रोफेशनल लोगों को तो हेल्प हो ही रही है right. लेकिन अगर उसको गेमिंग सेक्टर में जाना है, तो डेफिनेटली दे हैव टू डिजाइन अ कस्टम ग्राफिकल जीपीयू जिसको हम बोलते हैं राइट right? तो वो डिजाइन करना पड़ेगा उसका पॉइंट रखना चाहूंगा कि आई थिंक उनको कस्टम जीपी डिजाइन करने की जरूरत आई थिंक दे ऑलरेडी गुड फायर पावर वॉट दे नीड इज की एक ऑप्टिमाइज जिसको बोलते हैं कोई कोई पब्लिशर बड़ा पब्लिशर एक डेवलपर आए जो ऑप्टिमाइज करे गेम्स मैक के लिए तब आई थिंक मैक्स हैव इनफ टू रन एनी गेम यार क्योंकि अगर स्टीम डेक जैसे लिनिक्स डिवाइस माइंड वो विंडोज नहीं है वो लिनिक्स है वो चला सकता है जी डी एफ फाइव तो आई थिंक मैक बुक

प्रोड्यूस्ड बाय एप्पल होते हैं एप्पल ने बनाए होते हैं एप्पल right. ने मतलब पैसा दिया होता है उन शोज के लिए टू इम्प्रूव देयर ओन कैटलॉग ऑन देयर ओन डिवाइस ठीक है वो चीज अगर वो यहाँ पे करते हैं गेमिंग के अंदर राइट एग्जैक्टली तो वही एक बहुत क्योंकि अब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है एप्पल टीवी की राइट right. आज से दो तीन साल पहले लोग इतने इंटरेस्ट दिखाते भी नहीं थे बट धीरे 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 स्मार्टली वो एप्पल की लेकिन कोई देखकर नहीं है। मैं देखता हूँ क्योंकि मेरे को एक्सप्लोर uh, करना था बट एंड थिंग इज कि उस पे जो कंटेंट है दैट इज गुड क्वालिटी राइट अगर यही लॉजिक लगता है इन गेमिंग भी कि वो कुछ ऐसी सर्विसेज चालू कर दें एंड जो मैंने नहीं बोला कि बहुत सारे गेम्स हो कुछ चुनिंदा हो बट अच्छे बहुत जो गेम्स होते हैं राइट तो उनके साथ अभी अभी बहुत सारे competitors भी, जैसे अभी आपने बोला तो जीओ भी अपनी खुद की hmm. गेमिंग yeah, yeah, और yeah, वो yeah, सब yeah, लॉन्च yeah, करने वाला है तो आई गेस जैसे अगर यूएस की और वैसे बात की जाए अगर दूसरी कंट्रीज की तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी जो Apple TV का बॉक्स है वो है ही सो उनको <laughs> so, वैसे ही बॉक्सेस उनके पास है ही तो उनको अलग से गेमिंग डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर के इसी तरीके से इंटीग्रेट हाँ। चीजें होती हैं तो हाँ तो वो उनके पास ऑलरेडी फायर पावर है अगर वो चिपसेट भी अभी खुद का ही बना रहे राइट सो so, उनके पास वेब बेस्ड गेम अगर जाते हैं और डेवलपर्स अगर एप्पल के अंदर कैटलॉग के अंदर आते हैं तो आई गेस गेमिंग uh, इंडस्ट्री में वो उसका खुद के बहुत सारे फुटप्रिंट्स बन सकते हैं और एक्साइड भी आ सकता हो है हो सकता है हो बिल्कुल हो सकता है एंड ये होना भी बिकॉज अभी अगर हम देख देखने जाए तो आई थिंक देर ओनली टू मेन यू नो राइवल्स

बहुत बहुत पावरफुल पावरफुल है है। भाई, है। आज की तारीख में भी स्नैपड्रैगन नहीं कर पा माइक्रोसॉफ्ट <laughs> right? so ने जिस तरीके का तर रास्ता अपनाया था प्रमोट एक्सबॉक्स एंड पब्लिशर्स गेम्स जो ब्रिशिंग right. गेम्स कर रहे थे mm -hmm. वो बहुत अच्छा था बिकॉज एक्सपॉक्सन अगर याद हो कि वैसे किसी को याद नहीं होगा एक्सबॉक्स जो फर्स्ट लॉन्च हुआ वो बहुत आई मीन

मेड अ गुड गेम ये उन्होंने इसको बोलते हैं उस चीज का ध्यान रखा कि ये गेम गेमर्स खेले क्योंकि आप अच्छी चीज तो बना दोगे लेकिन अगर वो बाहर ही नहीं जाएगी वो आप लोग उसको यूज ही नहीं करेंगे और ऑफ आउट नहीं होगा और उसकी वजह से वो जो प्रमोशन है वो रुक जाएगा कहीं ना कहीं और सबसे बेस्ट बात मैं एक चीज बताऊँ गेमिंग इंडस्ट्री को भी थोड़ी बात कर लेता हूँ गेमिंग कि हम ना रिव्यूअर्स की बात नहीं सुनते हम अपने दोस्त की बात सुनते हैं कि उसका क्या कहना है उस गेम को लेके राइट क्योंकि दैट इज द फैक्ट अब आप ये चीज कहीं हर कहीं अप्लाई नहीं होती है ये

उन्होंने डिवाइस right, right. तो बहुत एकदम अच्छा बना दिया था लेकिन जो इंटीग्रेशन जो आपने बोला की बहुत सारे ओपन एंडेड थी अगेन गुगल कनेक्ट करवाया लेकिन आई गेस वो उसका रन टाइम दो साल ही था दो साल दो दो या मैक्सिमम तीन

आप कित कोई भी गेम खेलो कितना अच्छा भी आप पीसी बना लो यू विल रिक्वायर डायरेक्ट सेटअप ऑन द फर्स्ट इंस्टॉल दैट्स अ फैक्ट उसके बिना आपके गेम्स नहीं चले सो ये इट्स फ्रॉम वो हाँ से फिर एक्स आया फिर एक्सबॉक्स पे सो so, ये है कनेक्शन अच्छा थैंक यू गुड इन्फॉर्मेशन सो यार दैट वॉज इट कि ये एक uh, एक समिट था सीक्रेट hmm. समिट जो आपल ने रखा था गेमर्स के लिए और काफी अच्छा गया है क्योंकि लीग जो भी जितने भी रूमर्स क्योंकि बहुत क्लोज था ना कोई हर कोई इन्वाइटेड था नहीं बट जो जो लोग गए वो बता रहे काफी अच्छा है एंड दिस टाइम एप्पल वॉज सीरियस अबाउट गेमिंग एंड वॉर जोन भी आ, शोकेस हुई है द मीडियम भी शोकेस हुआ है एंड आगे अरे oh, अभी, अभी right. so, so, तो चाहता हूँ भाई मैं तो टीम डाउनलोड किया था कल परसों देखने के लिए कौन सी खेल सकता हूँ राइट बट अनफॉर्चुनेटली टाइटल बहुत कम है मैक पे अभी के लिए बट hmm. uh, जिस हिसाब से एप्पल कोशिश कर रहा है टू यू नो

लगाते हो, उसके बाद आप जो एनिमेटेड कैरेक्टर्स में जाते हो <laughs> कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है की सम थिंग इंस्पायर्ड बाई दैट एंड इज द रीजन की वो मोस्टली क्योंकि एयर वियर आप

it could be something like that who yeah. knows so i think that might be a reason apple is dealing here we are heads i think uska kuch naam bhi leak hua right reality. Reality. reality pro reality 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 os pe chalne wala right right so it could be possible देखते हैं आगे वाले launches में wwdc में apple क्या आगे अनाउंस करता है hmm. right and i think we have covered enough enough for yeah. and uh, uh, हम लेते हैं आज आप लोगों से विदा लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज एंड